बिहार में टीचर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि अब राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में टीचर भर्ती के लिए छठे चरण के लास्ट स्टेज का डेट जारी कर दिया गया है। छठे चरण के लिए 17 से 20 मार्च के बीच काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 25 से 28 मार्च के बीच बांटे जाएंगे। ये कवायद उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद की जाएगी। शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये अंतिम मौका है। बता दें चले कि मिली जानकारी के अनुसार इस छठे चरण के लास्ट स्टेज में उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग कराई जाएगी जहां अभी तक एक भी स्टेज की काउंसलिंग नहीं हुई है। इसके साथ ही कुछ नियोजन इकाइयों में दूसरे और तीसरे चक्र की काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके पहले ये संभावना जताई गई थी कि छठे चरण की बाकी वैकेंसियों को सातवें चरण में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन विभाग ने ये अलग फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 17 मार्च को होगी। इस दिन क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए ये काउंसलिंग की जाएगी। इन्हीं नियोजन इकाइयों में क्लास 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग 18 मार्च को आयोजित की गई है। ये दोनों काउंसलिंग जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी, जबकि पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए क्लास 1 से लेकर 5 तक की काउंसलिंग 20 मार्च को होगी। ये काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित की जानी है। इसके साथ ही साथ जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है, वहां 10 मार्च तक नियोजन इकाइयां मेधा सूची NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च तक अंतिम मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। बता दें आपको कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए ये अंतिम अवसर होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विभाग के मुताबिक चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन की कवायद 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।